लड़के लोग भी हैंडसम चाहिए ना, खाली लड़की लोग ब्यूटी तो ऐसा भी ब्यूटी चाहिए लड़की लोग, उसके साथ साथ लड़का लोग भी हैंडसम होना चाहिए, सही है। और ये जो इन्होंने जितना भी बताया कि हम लोग का पास जो प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम ब्यूटी बन सकते हैं और हैंडसम बन सकते हैं, सही है। तो काफ़ी इन्होंने बताया कि बहुत कुछ प्रोडक्ट से हम हैंडसम और ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और उसका अगर टाइम मिलेंगे तो छुट्टी के टाइम में शायद अभी आने वाला नेक्स्ट टाइम में शायद डेमो भी करके दिखाएगी होप रखते हैं इसका। तो इतना सारे क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हम हमारे इस्तेमाल के लिए, और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल जितना हम करेंगे और जितना कराएगा उतने हमारा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा, और एक बिजनेस ग्रोथ होने के बाद किस तरीके से हमको इनकम आ जाते हैं और किस तरीके से डीएक्सएन हमको इनकम देते हैं, वो इनकम कैसे मिलते हैं, जो मार्केटिंग प्लान में आप आज आप लोगों को थोड़ा शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ओके सबसे पहले तो क्या करना चाहिए डीएक्सएन में जो आने के लिए, सबसे पहले तो क्या कंसेप्ट होना चाहिए, ग्रोसरी चेंज करना है। जैसे कि भाई साहब ने बोलते हैं कि हमेशा कि हम अभी ये यूएमए बिजनेस मैन हो चुके हैं, सही, इसलिए हम सारे के सारे जो लोग हैं इधर जिसका पास ऑलरेडी डिस्काउंट कार्ड है सब लोग हम बिजनेस मैन, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस मैन, हम खुद ये इसके बारे में प्राउड भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इसके ऊपर। ओके अभी हम लोग बिजनेस मैन है, क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हम समझना चाहेंगे। तो ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अभी हम दूसरे को बताना है ना, और ये इनकम कैसे आता है खुद को भी जानना है दूसरे को भी बताना है, सबसे पहले तो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एक ग्रोसरी कंसेप्ट है, ईजी से ईजी सबसे हमको हम खुद भी जानने के लिए और दूसरे को, क्योंकि खुद अगर ईजी से हम जान पाए तो दूसरे को भी ईजी से हम बता सकते हैं। तो ईजी से जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमको क्या जानना है, सिंपल चीजों के फॉलो करना है। ये किस थ्योरी बोलते हैं इसको, कीप इट सिंपल एंड सॉफ्ट। ओके जब हम ये इसको फॉलो करेंगे हमको भी इजीली इसको बारे में जानकारी हो जाएगा और इजीली हम दूसरे को भी बता सकते हैं। और ये इसके बारे में जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो कि हम ये ग्रोसरी कंसेप्ट में लेके आए, क्योंकि ये डीएक्सएन में सारा चीज किस तरह का प्रोडक्ट है, ग्रोसरी आइटम्स है ना, जैसे ग्रोसरी में मिलते हैं। सो अभी सबसे पहले तो हम ग्रोसरी चेंज कर रहे हैं, अगर नया लोग हैं हम तो ऑलरेडी कर दिया है, तो किसी को अगर बताने कंसेप्ट के बारे में बताने ग्रोसरी वाले ग्रोसरी कंसेप्ट भाई ग्रोसरी चेंज कर रहे हैं। अभी ग्रोसरी चेंज किया, सपोज मान लीजिए हर किसी ने किसी को एक प्लान होता है कि हर आदमी को अगर हम पूछा जाए तो सब लोग 50-60 साल तक जॉब करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं, बोलते हैं लोग कि कुछ जॉब करके फिर बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने के लिए सारा इन्वेस्ट तो होना चाहिए। सो बाहर का जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे होते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, इन्वेस्ट लेना पड़ता है, लोकेशन सारा सेटअप खुद करना पड़ता है, लेकिन डीएक्सएन का क्या है ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप कर दिया हुआ। एक बार डॉक्टर लिन को जोरदार ताली प्लीज। सारा चीज सेटअप करने के लिए सामान भी नहीं चाहिए, ऑफिस भी नहीं चाहिए, खाली हमको क्या करना है इसको कंज्यूमर, सबसे पहले इसमें कंज्यूमर बनना है, कंज्यूमर बनने के लिए ग्रोसरी चेंज करना है, डीएक्सएन में आना है। पहले जितना भी लूलो कैंप ट्रेडिंग किधर किधर हम जाता था खरीदता था, अभी हम डीएक्सएन को ग्रोसरी चेंज, डीएक्सएन में ग्रोसरी चेंज करना है। अभी चेंज करने के टाइम में क्या होने के, सबसे पहले तो प्रोडक्ट चूज करने के, अपना पसंद और नीड ही प्रोडक्ट जो नीड है, तो चेंज करने के बाद ये जो चॉइस का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे इसका फॉर्मेलिटी क्या है, 100 पॉइंट पीवी, 100 पॉइंट बराबर का अगर हम सामान खरीद करेंगे
ये सामान खरीदने के लिए मिनिमम भी टेंटेटिवली 270 से लेकर 300 ग्राम्स तक आएगा, डिपेंड आप लोगों ने किस तरीके का किस तरह का प्रोडक्ट चूज करते हैं, तो प्रोडक्ट में डिपेंड करते हैं 270 भी आ सकते हैं और 300 ग्राम्स भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट में डिपेंड करते हैं। ये लेने के बाद इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 100 PV आ जाएगा, जब 100 PV का सामान हम लेंगे तब ये कंपनी में हम एक वाइज कंज्यूमर हो जाएगा, वाइज कंज्यूमर, और डिस्काउंट कार्ड मिल जाएगा, उसका जो एक पर्सनल अकाउंट होता है वो नंबर 1411 करके 9 डिजिट का हो जाता है। अभी ये क्या है, अपना पर्सनल अकाउंट है। अभी पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, हम लोग बैंक में जो अकाउंट जमा अकाउंट खोलते हैं ना वो किस लिए खोलते हैं, पैसा जमा करने के लिए ना, पैसा सेव करने के लिए हम अकाउंट खोलते हैं। सेम ये जो कंपनी में भी, ये जो डीएक्सएन में भी, ये अपना पर्सनल अकाउंट मीन्स पैसा जमा होने के अकाउंट है, पॉइंट जमा हो जाते हैं उसमें, पॉइंट मतलब पैसा है, सही है ना। तो इसके साथ साथ कंपनी क्या पैकेज देती है हमको, सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट हो गया, इसके बाद CSS हो गया, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, मतलब इसमें एक यूजर आईडी चाहिए और एक पासवर्ड, अगर ये क्रिएट करेंगे करने के बाद क्या हो जाएगा, सारा अपना सिस्टम देख सकते हैं, वो भी लाइव में, डीएक्सएन क्या क्या किधर किधर क्या क्या हो रहा है सारा कुछ इसके बारे में जानकारी हमको मिल जाते हैं। हमारा लाइफ का ये जो बिजनेस का एक मैप है, रोड मैप है, किस तरीके से हमारा बिजनेस जा रहा है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट, ये पर्सनल वेबसाइट भी ये बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत काम आएगा। ये पर्सनल वेबसाइट ज़्यादातर क्या, हम ऐसा कुछ काम अगर नहीं है तो इसको हम ओपन नहीं करते, लेकिन ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पर्सनल वेबसाइट बहुत बड़ा रोल खेलते हैं। तो इसमें भी एक पासवर्ड यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद उन लोग वो जो कन्फर्मेशन भेजेगा तो फिर अपना चॉइस का जो पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद वर्ल्ड वाइड हमको ये बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप तो हो गया, लाइफ टाइम मेंबरशिप मीन्स ये जो कार्ड है एक बार हम रजिस्टर कर दिया तो अभी पूरा लाइफ के लिए रजिस्टर करने का, दोबारा रजिस्टर करने के लिए जरूरत है। ओल्ड वन मार्केट कंसेप्ट, मतलब एक जगह से हम रजिस्टर किया तो पूरा दुनिया में एक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा दूसरा नंबर लेने का हमको जरूरत नहीं, अभी ये भी हो गया। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में 6% कैशबैक भी आएगा, वो भी 7 दराम समथिंग, अगर 100 PV में अगर ज्वाइन हो गया तो ये भी एक प्रॉफिट है। ये मतलब ये सारा कुछ जो है फर्स्ट मंथ वही सेम टाइम का ये प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो 100 PV का जो सामान का, ये जो 270-300 दराम्स का था आपका, ये पैसा का वैल्यू का सामान ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे कि लूलू कोई भी ग्रोसरी में जाके सामान खरीद करते सेम वैल्यू का जो सामान है मिल जाएगा, वो तो सामान हिसाब बराबर हो गया, लेकिन ये जो है ये सारा पैकेज जो है कंपनी हमको दे रहा है, ये हमको प्रॉफिट दे रही है कंपनी, क्योंकि जैसे कि CSS बनाने में भी पैसा लगेगा, अगर हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे पर्सनल वेबसाइट करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये जो 7 दराम्स भी आ रहे हैं ये तो छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी क्या है ये 7 दराम्स को 70 दराम्स बनाना है, 700 दराम्स बनाना है, 7000 बनाना है, 7 मिलियन बनाना है, 7 लाख बनाना है, ये हमारा ऊपर की बात, हमको डिपेंड करना है किस तरीके से हम ये बिजनेस को लेके जाएंगे। ओके, अभी ये सारा होने के बाद अभी ग्रोसरी हम वो ऑलरेडी ओपन किया है, हमारा ग्रोसरी हो गया, देखता नहीं है लेकिन है ये ग्रोसरी, ये कोई भी जगह में जाएगा हमारा ग्रोसरी हमारा साथ में। अभी ये ग्रोसरी हम बिजनेस करते हैं किस लिए, बिजनेस करने का मकसद क्या है, प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट है ना, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो फायदा है नहीं है। तो अगर बिजनेस के लिए प्रॉफिट अगर होना चाहिए तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कैसे आता है कोई बता सकते, कस्टमर से क्या हो जाते हैं, सेल होना चाहिए, तो सेल होने के लिए
खरीद तो करना चाहिए ना। अभी दूसरा जो जैसे कि कोई भी ग्रोसरी कोई भी सुपर मार्केट में कैसे सेल होते हैं, जब कस्टमर आके खरीद करते हैं तब सेल हो जाते हैं, सही है। अभी हमारा ये जो ग्रोसरी में कैसे सेल हो जाते हैं, हमारा अकाउंट यूज करके, हमारा अकाउंट यूज करके, ये अकाउंट नंबर से अगर हम सामान खरीद करेंगे, ये नंबर से खरीद होना चाहिए सामान, बस खुद या तो दूसरे कोई भी, तो ये नंबर से खरीद होने के बाद क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। अभी सेल हो जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा ना। अभी प्रॉफिट ज्यादा मिलने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो जितना ज्यादा होगा उतना मजा है ना, उतना अच्छा है ना, तो वो ज्यादा प्रॉफिट होने के लिए क्या होना चाहिए, ओके, मोर सेल होना चाहिए, मोर सेल होना चाहिए, प्रॉफिट मोर प्रॉफिट के लिए ज्यादा मोर प्रॉफिट होता है, मोर सेल होएगा तो मोर प्रॉफिट हो जाता है, ओके। अभी ये सेल भी होने लगा, प्रॉफिट भी आने लगते हैं, मोर सेल भी होने लगे, मोर प्रॉफिट भी होने लगेगा, तो ये कंपनी किस कैसे किस तरीके से हमको प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो लेते हैं, प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन किस तरीके से ये कंपनी हमको प्रॉफिट देते हैं वो हमने आप लोगों को बताया। ये सिक्स टाइप्स का रेगुलर प्रॉफिट ये हम लोग को कंपनी देते हैं। जैसे कि हम कोई जॉब में हम जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया, अभी वो कंपनी हमको जॉब दिया, अभी ये कंपनी क्या करते हैं, सैलरी का पैकेज देते हैं। जैसे कि एक ग्रॉस पैकेज में इसमें डिवाइड करके देते हैं ना, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5000 अगर सैलरी मिला है कंपनी से, तो उसमें से शायद सबसे पहले तो बेसिक सैलरी कितना है, फिर उसके बाद हाउसिंग अलाउंस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, फूड अलाउंस कितना है, सही ना, अदर अलाउंस कितना है, ये सारा के सारा मिला के ग्रॉस अमाउंट बनता है, ग्रॉस सैलरी बनता है। सेम एग्जैक्टली थिंग ये कंपनी भी बहुत तरीके से प्रॉफिट देता है और बाद में जाके ग्रॉस मिलता है, वो किस तरीके से देता है, सबसे पहले तो रिटेल प्रॉफिट। अभी रिटेल प्रॉफिट मीन्स हम लोग ऑलरेडी ग्रोसरी ओपन किया था, हमारे पास डिस्काउंट कार्ड, सही, अभी वो डिस्काउंट कार्ड में से हमको सामान डिस्काउंट में मिलता है। सपोज मान लीजिए कॉफी 42 दराम से इसका रिटेल प्राइस हमको कितना में मिलता है, 33 दराम से मिलता है, तो अगर हम किसी को अगर रिटेल प्राइस में हम सेल करेंगे 42 दराम में, तो 9 दराम हमको प्रॉफिट हो गया ना, ये जो इमीडिएटली जो प्रॉफिट मिलता है ये सेम टाइम में मिलने वाला प्रॉफिट है। तो कितना भी कोई भी सामान का जो रिटेल प्राइस है हम डिस्काउंट में लेके उन लोग को रिटेल में बेचेंगे तो हमको वो प्रॉफिट मिलेगा, सही, तो इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट में डिपेंड करते हैं। दूसरे नंबर में है पर्सनल परचेस, पर्सनल परचेस मतलब खुद खरीदने में से भी कैश बैक मिलते हैं, वो किस तरीके कितना तक मिलेगा, 6 to 37%, ओके 6 to 37% हमको कैश बैक मिलते हैं। अभी ये 6 to 37 किस तरीके से जाता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में 100 पॉइंट खरीद किया था ना इधर, तो 100 पॉइंट खरीद करने के टाइम में कितना मिला था, 6% मिला था, 7 दरम जाए, ओके ये पॉइंट तो बढ़ते जाएगा, आप लोगों को पता है पॉइंट कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हम खुद भी खरीद करेंगे पॉइंट बढ़ते जाएगा, दूसरे को खरीद करने के लगाएगा तो भी पॉइंट बढ़ते जाएगा, और किसी को स्पॉन्सर अगर हम करेंगे तो सिस्टम में डालेंगे तो वो भी पॉइंट बढ़ेगा, तो ये पॉइंट बढ़ते बढ़ते 300 पॉइंट हो जाएगा तो 9%, फिर जाके 1000 पॉइंट अगर हो जाएगा 12%, 2000 पॉइंट हो जाएगा फिर 15%, 3250 हो जाएगा 18%, 4500 पॉइंट हो जाएगा 21 से लेकर 25% तक हमको इस तरीके, ये जो इसको बोलते हैं स्टार एजेंट, ये टाइम में है स्टार एजेंट होता है, कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगा, पीएनएचसी को आप करेंगे 25% तक इस तरह से मिलता है। अभी 25% तक मिलने के लिए किसी को बताने का जरूरत भी नहीं है, ये हम खुद खरीद, हमारा फैमिली और खुद के लिए जितना भी परचेसिंग करते जाएंगे
तो एक था एक दिन 4500 हमारे अकाउंट में बन जाएगा, तो हम स्टार एजेंट बनेंगे 21 से लेकर 25% हमको मिल सकते हैं। अगर इससे ऊपर इससे ग्रोथ करना है 25% से लेकर ऊपर जाना है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, आदमी लोग को स्पॉन्सर करना चाहिए। तो ये स्पॉन्सर करने के टाइम में जैसे कि 6x6 प्लान का अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे कि किसी को स्पॉन्सर किया आपने, अभी क्या हो गया, सबसे पहले तो ये जो सेल जो हो गया, मोर सेल हो गया, ये बिजनेस को अभी खाली सेल करेंगे, सेल ज्यादा करने के लिए तो हम जितना एक्सपांड करेंगे, जितना अगर ब्रांच खोलेंगे तो उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना, सही है। जैसे कि लुलू एक ग्रोसरी से स्टार्ट हो गया था, लुलू हाइपर मार्केट हो गया, अभी कितना हाइपर मार्केट हो गया, सही है ना, उसको जो पैसा जो है बहुत जगह से आता है, एक जगह से अगर लॉस हो जाएगा दूसरा जगह से कवर हो जाते हैं, तीसरा जगह से ज्यादा प्रॉफिट है। इस तरीके से हमको भी इतना ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए जितना ब्रांचेस होगा उतना ही फायदा है। तो हम 6 ब्रांचेस को अगर फॉलो करते जाएंगे तो ये कंपनी से मिलने वाला सेवा सुविधा जितना भी है अच्छे से अच्छा प्रॉफिट, ये कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट 6 जो ब्रांच से हमको मिल सकते हैं। इसके लिए हमको 6 ब्रांच को अगर 6 ब्रांच ओपन करके फॉलो करेंगे उतना अच्छा हमको ये जो बोनस और इसका जितना भी जो चीज मिलना है वो मिल जाएगा। अभी सपोज मान लीजिए आप धीरे धीरे स्पॉन्सर भी करते गया, स्पॉन्सर ये बंदे को शायद पाकिस्तान का हो गए, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान में एक ब्रांच खोल दिया, क्योंकि वो तो एक दिन तो पाकिस्तान जाएगा ना, जब पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान में जो बिजनेस करेगा वो पाकिस्तान का बिजनेस वो अपना है। अगर एक बांग्लादेश का जो दोस्त है उसको अगर हम ब्रांच करेंगे तो बांग्लादेश में हमारा बिजनेस किया समझो, और फिलीपींस में करेगा फिलीपींस में बिजनेस किया, नेपाल में करेगा नेपाल में, इंडिया में, श्रीलंका और दूसरा कोई भी कंट्री, यूरोप हो कोई भी कंट्री, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 ब्रांच हम लोग खोल दिया। तो अभी जैसे जैसे ये जो पॉइंट बढ़ते जाएंगे, आपका 4500 हो गया था, स्टार एजेंट हो गया था, अभी ये टाइम में इसको भी जाएगा ना, ये भी करेगा ना, क्योंकि ये तो कॉपी बिजनेस है, हम उसको फॉलो करेंगे, सिखाएंगे, जो हम कर रहे हैं वो उसको कराना है। तो 4500 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टार एजेंट, सही है। दूसरे ये स्टार एजेंट होने के टाइम में आपको फिर +2 हो गया, 25 था ना, अभी जब ये स्टार एजेंट हो जाएगा तो आपको 2% ग्रोथ हो गया तो 27 हो गया। अभी ये जो फिर दूसरे को भी ये 4500 हो गया तो ये इसका क्या हो गया, +2 हो गया, 29 हो गया, ये भी आया, ये क्या हो गया, स्टार एजेंट हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 2 बढ़ते गया, फिर ये भी आया तो 33 हो गया, स्टार एजेंट हो गया 33 हो गया, ये भी आया 35 हो गया, और ये भी आया 37। ये 6 बंदे 6 ब्रांच में स्टार एजेंट अगर क्रिएट हो गया आपका लेवल कितना हो गया, 37%। अभी आप ये जो 37% लेवल में अगर आप पहुंच गया तो वो महीना में अगर आपने 100 पॉइंट आपका अकाउंट से किया तो आपने खरीदे हुए 100 पॉइंट से आपको 37% मिलेगा, मतलब 37% आपको मिलेगा क्योंकि आप 37% लेवल में। तो 37% तक 6 to 37% तक हमको खुद का अकाउंट से खरीद करने में पर्सनल परचेस में ये मिलेगा। अभी ये भी क्लियर हो गया। अभी 3 नंबर में ग्रुप बोनस। अभी ग्रुप बोनस द डिफरेंस होता है, द डिफरेंस मतलब आप कौन सा परसेंटेज लेवल में, आप कौन सा परसेंटेज लेवल में है और आपका ग्रुप में से कितना परसेंटेज लेवल। सपोज मान लीजिए ये बंदे 25% में स्टार एजेंट हो गया ना, तो आप 37% लेवल में, तो इसमें से आपको ये जो बोनस मिलने वाला है ग्रुप से, इसका ग्रुप इसका अलग है, इसका ग्रुप इसका भी ग्रुप होता है ना, तो
इसका ग्रुप से आपको मिलने का जो बोनस है वो डिफरेंस क्या होता है, ये 25% है आप 37%, 25% और 37% का डिफरेंस क्या है, 12% इससे मिलेगा। और इसका डेवलपमेंट बोनस भी ऐसे है, अभी डेवलपमेंट बोनस का बात करें ये भी आएगा। तो ये जो डिफरेंस है परसेंटेज का जो डिफरेंस है ये आपको मिलेगा ग्रुप से। अभी ये 37% लेवल में आप पहुंचे हैं, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप एक नया बंदे जुड़ा आपने आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर करके, इसके बाद तो ये 6% में आएगा 100 पॉइंट से अगर ज्वाइन किया तो 6%, यानी कि उसको कंपनी 6% देता है। तो आपको 37% लेवल में है तो 37 - 6 कितना हो गया 31, तो इसमें से प्रॉफिट हमको 31% मिलेगा। इस तरीके से ग्रुप से हमको प्रॉफिट इस तरीके से था डिफरेंस मिलेगा, ये भी हो गया। अभी चार नंबर में डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस मींस जैसे जैसे आपका टीम ग्रोथ हो गया, अभी जैसे कि ये स्टार एजेंट आ गया, इसके नीचे भी आएगा ना क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा है, तो ये भी स्टार एजेंट आ गया। 5 लेवल तक स्टार एजेंट आ गया तो अभी फर्स्ट लेवल से आपको 5% डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, 4% सेकेंड लेवल से, 3% ये जो थर्ड लेवल से, और फोर्थ लेवल से 2%, फिफ्थ लेवल से 1% करके 15% कुल मिला के 15% ये ग्रुप से डेवलपमेंट बोनस, अगर ये सारा स्टार एजेंट है तो ये भी मिलेगा आपको 15%, ये भी अच्छा इनकम हो गया। 5 में इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मींस 2% मिलेगा, ये जब तक हम 37% लेवल में नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं मिलेगा। जब पहुंचने के बाद 2% कंपनी क्या करता है, पूरा दुनिया का होल में नेट प्रॉफिट जितना है वो नेट प्रॉफिट का 2% प्रॉफिट 37% में पहुंचने के बाद आपका टीम में कितना सेल है उस सेल का वॉल्यूम देख के उसका आपको 2% प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी प्रोवाइड करता है। तो ये भी अच्छे आते हैं। और 6 नंबर में है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस मींस जैसे आप 37% लेवल में पहुंचेंगे, स्टार डायमंड, ये स्टार डायमंड होते हैं 37% लेवल में पहुंचने के बाद, तो ये 37% लेवल में पहुंचने के बाद आपने अभी क्या करना है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना जो ब्रांच में है उन लोगों को भी स्टार डायमंड क्रिएट करना है, उन लोगों को भी 37% लेवल में पहुंचना है। अगर ऐसा अगर हो गया तो आपको इन लोगों से लीडरशिप बोनस मिलेगा, वो डायमंड टू डायमंड बोनस होता है, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और एकदम बड़ा बोनस है, परमानेंट बोनस है, तो बड़ा बोनस मिलेगा। तो हमको अभी क्या करना है, जब 37% लेवल में पहुंचेगा तो अपना ब्रांच में अभी वो 37% लेवल में क्रिएट करना है, स्टार डायमंड क्रिएट करना है, तो फिर ये बिजनेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये भी 5 to 10% मिलता है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा मिला के 1 घंटा मिलता है ये बिजनेस में। जैसे अभी मैं बोला ना पैकेज में 5000 सैलरी है तो क्या क्या क्राइटेरिया से क्या क्या डिवाइड करके हमको वो मिलता है, इस तरीके से ये सारा मिला के, ये अलग से मिलेगा, अलग से सारा इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, तो इस तरीके से ये प्रॉफिट बनेगा। और ये बिजनेस में 3 इंसेंटिव मिलते हैं। 3 इंसेंटिव मीन्स सबसे पहले इंसेंटिव है 850 दिरहम्स। ये कैसे कंडीशन में मिलते हैं, जब आप स्टार एजेंट हो जाएगा और 1, 2, 3 जो ब्रांच में स्टार एजेंट आने के बाद इन लोगों के अकाउंट में 6000 पॉइंट होना चाहिए हर एक 3 लोगों का 3 ब्रांच। अगर ये हो जाएगा आपको 850 दिरहम्स वन टाइम फोन इंसेंटिव करके कैश में देते हैं, सही है। उसके बाद दूसरे इंसेंटिव है 5800 दिरहम्स का। ये इंसेंटिव कैसे मिलेगा, जैसे आपने 850 दिरहम्स मिला है आपका फर्स्ट जेनरेशन में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 ब्रांच का लोगों ने 850 दिरहम्स मिलना है उन लोगों को,
अगर ये मिलेगा आपको 5000 आर से दरांस मिलेगा। और तीसरा इंसेंटिव है, एक साल में ये कंपनी टारगेट दिया जाते हैं, अभी 180,000 का टारगेट है, अगर वो अचीव करेंगे, वो TSIP पॉइंट बोलते हैं, ट्रैवल सेमिनर इंसेंटिव पॉइंट, वो अचीवमेंट हो जाएगा तो वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। एक कंपनी वो साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप रखते फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप आपका फैमिली भी लेके जा सकते हैं अगर डबल क्वालिफाइड ट्रिपल क्वालिफाइड हो गया था। तो ये इंसेंटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कंपनी ने 5-6 दिन का एक टूर रखता है, वो टूर में लग्जूरियस एक ट्रिप आप ले सकते हैं आप क्वालिफाई होने के बाद। इस तरीका से रेगुलर 6 टाइप्स का रेगुलर और 3 टाइप्स का जो इंसेंटिव ये कंपनी प्रोवाइड करते हैं। ओके, जब ये स्टेटस वाइज कैसे होते हैं, जैसे कि स्टार एजेंट होने के लिए 4500 पहुंचने के बाद स्टार एजेंट होते हैं, और 3 स्टार एजेंट आने के बाद स्टार भी हो जाते हैं, और 6 स्टार एजेंट आएगा तो आप स्टार डायमंड हो जाते हैं, 37% लेवल में अचीवमेंट हो जाता है। अभी हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो स्टार एजेंट होना है, उसके बाद फिर स्टार एजेंट बनाना है, 3 स्टार एजेंट आ जाएगी तो स्टार होगी, उसके बाद फिर 6 स्टार एजेंट हो जाएगी तो स्टार डायमंड, फिर अभी क्या करना है, आप खुद स्टार डायमंड हो जाएगा तो फिर स्टार डायमंड क्रिएट करना, जितना स्टार डायमंड क्रिएट करेगा इतना बड़ा प्रॉफिट फिर हमको शुरू हो जाएगा। अभी कौन से कंडीशन में किस तरीका का बोनस आपको मिल सकते हैं वो थोड़ा कंडीशन की हम बात करेंगे। तो अभी स्टार एजेंट हो गया, 4500 हो गया, अभी आपके पास थोड़ा कुछ ग्रुप है, शायद 10 आदमी 15 आदमी का एक ग्रुप हो सकता है, सही है, वो शायद आपका 6 लाइन में नहीं हो सकता, एक लाइन आया तो 2 लाइन में, कोई भी 10-15 आदमी अगर जुड़ गया होगा, तो इसमें से आप और आप खुद का और अपना टीम का करके 1000 PGPP बोलते हैं, अपना खुद का और अपना ग्रुप का करके 1000 पॉइंट बराबर का एक महीने के अंदर, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अगर हम ये बिजनेस कर पाएंगे, ये सेल कर पाएंगे, तो आप स्टार एजेंट होने के बाद आपको मिनिमम भी 250 से लेकर 300 दरांस तक आपको महीने के बोनस मिलेगा। अगर ये मिलने का ये मिलना बोले तो ये कंपनी में ये मिलने के लिए 100 पीवी करना चाहिए, 100 पीवी करने के लिए ये 200 और 300 दराम से 250 से 300 दराम से आएगा तो इसी हो जाएगा, अभी पॉकेट में से तो पैसा खर्च करके डालने की जरूरत नहीं है, तो फ्री प्रोडक्ट हमको मिल गया, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, क्योंकि हम DXN में अपना पैसा खर्च करके हर टाइम में सामान खरीदना के नहीं, क्योंकि इधर सिस्टम है, सिस्टम अगर फॉलो करेगा तो हमको 250 से लेकर 300 दराम्स अगर ये खुद और अपना टीम से 1000 पॉइंट एक महीने में करने के बाद ये मिलेगा तो हो गया ना, तो 250 से 300 दराम्स मिला, सामान फ्री में मिला, ये इसको बोलते हैं फ्री प्रोडक्ट लेना, इसलिए ये स्टार एजेंट है। अभी जब आप स्टार एजेंट होने के बाद 1, 2, 3 तीन लोगों को स्टार एजेंट बनाया और इसको भी यही सिखाया जैसे आपने किया था, सही है ना, 1000 पीजी में इसने 1000 पॉइंट का काम किया, इसका और इसका ग्रुप मिल गया, इसने भी 1000 का किया, इसने भी 1000 का किया, मतलब 1, 2, 3 हजार आपका पूरा टोटल सेल हो गया, PGP भी बोलते खुद का भी, खुद 100 तो करना ही चाहिए, फिर इन लोग भी अगर किया तो 3000 PGP भी हो जाएगा, इन लोगों का बोनस ये जो आपको मिला था पहले ये आएगा, यह भी उन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए फिर पॉकेट से पैसा डालने की जरूरत नहीं, इधर से आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा मिनिमम भी 500 से लेकर 700 दराम्स तक आएगा, मतलब 500 से 700 दराम्स, अभी 100 पॉइंट करने के लिए तो ये 300 दराम्स खर्च हो गया, अभी 700 में बाकी, अगर 700 आएगा तो कितना बाकी होगा, 400 में तो अपना पॉकेट मनी पॉकेट खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी बनते हैं, सही है, वो भी फायदा हो गया। अभी फिर आपको कोशिश क्या करना है, 1, 2, 3 दूसरे को भी स्टार एजेंट बना के फिर 1000 का टारगेट देना है, अगर ये अचीवमेंट हो जाएगा ये 6 लोगों को प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, मतलब इन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर से मिलेगा,
आपको कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, ये टाइम में 6000 पीजीपीवी हो जाएगा। ये मतलब इस इतना पीजीपीवी अगर आप स्टार डायमंड के टाइम में अगर करेंगे, मिनिमम 1500 से लेकर 2000 तक का आपका प्रॉफिट। अभी 2000 अगर आपको मिल गया तो एक एक्स्ट्रा सैलरी हो गया ना, क्योंकि इधर बहुत एवरेज में अगर हिसाब करेंगे तो 2000 का हमारा सैलरी बनता है एकदम नॉर्मल, अगर हमारा कम्युनिटी का अगर आदमी लोगों को बोले तो 2000 इधर से मिलेंगे तो अपना सैलरी तो सेव कर सकता है ना। तो ये टाइम एक इधर हमारे नेपाली नेपाली ने रिकॉर्ड तोड़ा है 7 मंथ में ये चीज किया, 7 मंथ। अभी हम 7 मंथ के बाद सुनिए, एक साल नहीं तो डेढ़ साल, 2 साल के टारगेट रखेंगे, ऐसे तो बैठे 2 साल में अगर हमारा रेगुलर बोनस 2000 हम क्रिएट कर सकेंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो ये एक साल में तो आदमी लोग अभी का टाइम में इजीली ये करते हैं, क्योंकि पहले पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा देने में और आदमी लोग इसके बारे में थोड़ा ये गेन नहीं करता था नॉलेज तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी तो इसके बारे में तो आदमी लोग है ना इतना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग मार्केटिंग ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मालूम हो चुका है तो ईजी भी होता है एक्सपांड करने के लिए। अगर जल्दी से जल्दी हम एक्सपांड करेंगे विद इन 1 ईयर में अगर हम 80,000 क्रिएट अगर कर सकेंगे बहुत अच्छा है। तो ये सेम ये तो मिनिमम के बाद में करो, मिनिमम का यह पता है जो मैं जब स्टार एजेंट था पहले, अभी तो बिजनेस थोड़ा ये हर चीज़ में क्योंकि बिजनेस ये फ्लक्चुएशन बिजनेस में आते कभी नीचे कभी ऊपर, जब स्टार एजेंट के टाइम में मेरा सेल कभी कभी 10,000 होता था, ये टाइम में 1,700 स्टार एजेंट का टाइम में भी मैंने लिया 1,700 ग्राम्स। तो ये नहीं है कि ये तो स्टार एजेंट के टाइम में 250 और 300 ग्राम से ऊपर नहीं जाती, ये नहीं है, स्टार एजेंट के टाइम में 3,000 तक आता है बोनस। ये तो बिजनेस है ना, ये सेल्स जितना है इतना। तो ये स्टार डायमंड के टाइम में अगर यूरोप में कोई स्टार डायमंड है तो $5,000 तक लेते हैं, $5,000 मतलब इधर का 15,000 ग्राम स्टार डायमंड के टाइम में, क्योंकि उतना सेल अगर है सेल के हिसाब से। तो ये तो हम मिनिमम हमारा एड्रेस की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक स्टार एजेंट का 1000 पॉइंट बोले तो खुद भी 200-300 पॉइंट तो खुद सेल करके और 100 पॉइंट आप खा के भी कर सकते हैं। तो 4-5 लोगों को अगर 100 पॉइंट का करने का अगर आप टारगेट देगा तो 6-7 बंदे अगर रीपर्चेस करेंगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल का काम नहीं। तो ये आप स्टार डायमंड जब हो जाएंगे तो 2000 हम मिनिमम रखेंगे, ये लोग तकरीबन आप 5 साल के प्लान 5 ईयर्स, क्योंकि कोई भी लोग दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं एक रात ओवर ऑफनाइट में कोई भी नहीं होता, कुछ टाइम लगता है, टेक अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टाइम को हम थोड़ा ख्याल करके 5 साल का प्लान, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम हम रखना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टाइम का प्लान रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का अगर हमारा पास ड्रीम है 5 ईयर्स प्लान अगर हम करके 1 2 3 4 5 6 6 ब्रांच को अगर हम स्टार डायमंड बना के मिनिमम उन लोगों को 2,000 dirhams पर मंथ इनकम का अगर लेवल में हम सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को पहुंचाएंगे उधर 5 साल के अंदर, जॉब भी करना है ना, जॉब के साथ साथ है ना। तो ये टाइम का इनकम ये लोगों को 2000 5 ईयर्स टाइम में किसी को देखिए किसी को 2000 एक परमानेंट रेजिडेंट इनकम बनाने के बोले तो बहुत, खुद को तो छोड़ो किसी को बना रहे एक आदमी को भी किसी को ऐसा हेल्प करना है तो बहुत बड़ी बात है, लाइफ टाइम है ये, ना कि एक दिन का एक रात का एक महीने का नहीं, ये तो लंग लाइफ है ना, तो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर हो रहा है ना। तो 6 लोगों को लाइफ हम चेंज करने के हम सोचेंगे, 6 लोगों को 5 साल के अंदर इन लोगों को लाइफ अगर ये दे सकेंगे तो हमारा लाइफ का ग्रोथ क्या हो जाएगा, मिनिमम भी 15,000 dirhams हमारा बोनस हो जाएगा। ये टाइम ये हमारा नेपाली लोग
ले रहे हैं, ये दूसरे बात नहीं कर रहे हैं। यूरो का वॉल अगर एक ट्रिपल डायमंड, ये टाइम में ट्रिपल डायमंड बोलते हैं, अगर यूरोप का बात करेंगे तो ये टाइम में 15,000 यूएस डॉलर में है, 15,000 यूएस डॉलर कन्वर्ट अगर करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास इतना ही दिमाग, क्योंकि लर्न मोर अर्न मोर, ये बेसिक चीज है, लर्न मोर अर्न मोर, और उन लोग लर्न भी करते हैं अर्न भी करते हैं। हम हमारे हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिटी में जो हमारा जो एवरेज कर रहे हैं, ये ट्रिपल डायमंड के टाइम में 15,000 ग्राम्स तक उन लोग ले रहे, हम लोग जैसे आदमी ले रहे, तो क्यों हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। वार्निंग क्या होने से, वार्निंग डिजायर होने से, जेरोक्स होने से, और नेवर की बात। तो ये बिजनेस का सबसे सक्सेस क्या है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कोई भी चीज में अगर आपने बीच रास्ता में छोड़ दिया, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, क्लास 10 में जाने के पहले आप छोड़ दिया तो क्लास 10 में जा सकते नहीं। इसलिए हम शुरू किया किस लिए, अंत होने के लिए ना, लेकिन ये नेवर नेवर इंडिंग, ये बिजनेस है। दूसरा बिजनेस हो सकते हैं, दूसरा कोई आप बिजनेस कोई स्टार्ट करोगे, कोई ग्रोसरी स्टार्ट करोगे, शायद आपको बेटा को पसंद नहीं लगेगा, मैं दूसरा बिजनेस करेंगे, वो उसका मर्जी से करेंगे, लेकिन ये बिजनेस है, आप एक बार शुरू किया ये बिजनेस, बेटा को नहीं चाहेगा तो भी उसको उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जाएगा ये बिजनेस। तो वो भी क्या है, आप जो पोजीशन में वही पोजीशन ट्रांसफर, जैसे कि मैं स्टार्ट आया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा बेटा अभी जो है वो स्टार्ट आया हूँ, अगर मैं खुश हो गया, मेरा बीवी खुश हो गया, वो स्टार्ट आया, वो 37% लेवल है अभी, उसका काम क्या है, उसी से अगर ग्रोथ करना है उसी से ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर का बेटा, वो डॉक्टर बन सकते है? बन सकता है, लेकिन वो जो डॉक्टर है, बाप डॉक्टर था, बाप पढ़ा है, लेकिन बेटा अगर पढ़ा नहीं है तो वो डॉक्टर होएगा नहीं, उसका हाथ में अगर इसको जो डॉक्टर का क्या होता है वो जो ना ऐसा दे कह सकते हैं, उसके लिए सर्टिफाइड होना चाहिए, सही। जब तक वो सर्टिफाइड नहीं करे, जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक वो उसको काबिल नहीं। लेकिन ये बिजनेस में अगर आप स्टार डायमंड हो और कोई भी हो, क्राउन एम्बेसिडर हो गया, बेटा कुछ भी नहीं किया तो भी वो क्राउन एम्बेसिडर है स्टार डायमंड। तो ये बिजनेस को अगर सीरियसली लेना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमें रीजन होना चाहिए वाई, और ये वाई सब लोग को अपना अपना हो सकते हैं, ये जो वाई सबको एक ही नहीं होते, क्योंकि किसी किसी को होता है। मेरा वाई क्या है कि मैंने अभी तकरीबन 12-13 साल 14 साल मैंने मेरा अभी लाइफ में, अभी मैं मेरा जो एज है वो एज में से 13-14 साल मैं दूसरे को काम, उसको क्या बोलते हैं, स्लेवरी, दास, हम लोग सब स्लेवर, स्लेव, दूसरे को काम करते, दूसरे को टाइम पे चलना पड़ता है, दूसरे का कहो कहा में चलना पड़ता है, तो जो बोलेगा वो करना पड़ता है, सही नहीं। अभी ये हमको फ्रीडम नहीं है, लेकिन मेरा जो वाई क्या है, जो मेरा आने वाला जो जनरेशन है, मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको उसका लाइफ जीने का च्वाइस होना चाहिए, उसका च्वाइस से करें, अगर वो जॉब भी करे उसका मजबूरी से नहीं, उसका च्वाइस से करना, तो उसका अपना लाइफ है, वो अपना तरीके से, अपना च्वाइस के तरीके, च्वाइस के हिसाब से उसका लाइफ जी, ये मेरा भाई, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, कर रहे हैं और बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम छोड़ के इसमें है ना, अभी उसका क्वेश्चन सोच सकते वो टाइम क्यों हमको छोड़ के, तुम दोनों हम दोनों ही रहे, वो उधर ही उसका दिमाग में खेल रहा होगा, तो उसका जवाब जब तक मैंने ये बिजनेस को आगे करके उसको नहीं दे पाएंगे तब तक उसको जवाब मेरे पास नहीं होगा, तो उसको जवाब के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो कोई भी कर सकते हैं, इसमें ना एजुकेशन का जरूरत, एजुकेशन और ये जो नॉलेज है ये हम सीख के बना रहे हैं, ये इसका ना
इसका ना एज बैरियर है, ना सेक्स बैरियर है, ना कास्ट बैरियर है, ना रिलीजन बैरियर, कोई भी कुछ नहीं, चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी हो इस चीज को कर सकते हैं। और लड़का है लड़की है, वुमेन से मैन है, कोई भी हो, बुड्ढा है बच्चा है, कोई भी कर सकते हैं। 18 इयर्स प्लस होना चाहिए बिजनेस को काबिल होने के लिए, बस पासपोर्ट बनाने का टाइम होना चाहिए। तो फिर इसको कोई भी रन कर सकता है, इसका कोई बंदेज नहीं, बाउंड्री नहीं है इसमें। नॉलेज बोले तो हम बच्चे से भी सीख सकते हैं, बुढ़े को भी सीख सकते हैं, यंग लोग को भी सीख सकते हैं, जो लेबर है उससे भी सीख सकते हैं, इंजीनियर है उससे भी सीख सकते हैं, डॉक्टर है उससे भी सीख सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ये डीएक्सएन बिजनेस है, ये डीएक्सएन बिजनेस में बहुत तरह का लेबर इंजीनियर डॉक्टर कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन का आप इसे सीख सकते हैं, बच्चा से लेकर बुढ़े तक। तो अपना नॉलेज हम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पढ़ा लिखा नहीं है, हम बोलने को नहीं आते, ये सारा कुछ सीखने के बाद, क्योंकि आदमी जब सीखता है ना तब ये सारा चीज होता है। क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, मैं प्राइमरी स्कूल के पढ़ाने के लिए भी जाता था कभी हमारे स्कूल में, मैं खुद मैं ऐसा भी मेरा प्रोफेशन टीचर तो नहीं था, लेकिन मैं ज्यादा बच्चे को हेल्प करने के लिए कभी कभी गाइडेंस के लिए जाता था। तब उसी टाइम इतना ये नहीं था कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो सब मैं जब बच्चा था, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड में जैसे कि मेरा पड़ोसी लोग में कहीं मेरा एकदम से करीब का लोग है उन लोग टीचर्स, तो मैं जब बच्चा था जब मेरा दिमाग में चलता था कि मैं भी टीचर हूँ, क्योंकि रेस्पेक्ट भी मिलता है, लोगों को हेल्प करने को भी मिलता है, लेकिन वो ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ, वो ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं क्या सोचता हूँ कि वो जो ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ था तो भी मुश्किल नहीं, अभी इधर से मैं जो ड्रीम्स था उसको पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं 1000 पब्लिक हूँ, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकता हूँ, वो भी कन्फिडेंटली, वो भी विदाउट हेजिटेट। तो ये है ये डेज, तो कोई भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो बोनस जो है, इसका जो प्रॉफिट है हमको इस तरीके से मिल सकते हैं, इसमें इसमें सब आदमी को, ये नहीं है कि इंजीनियर को अलग मार्केटिंग प्लान है, डॉक्टर को अलग मार्केटिंग प्लान है, लेबर को अलग, नो, सबके लिए एक ही। इसलिए ये जो डीएक्सएन है सबके लिए समान है। आप लोग ये लोगो देख रहे हैं ना, ये लोगो भी ऐसा रखा नहीं है, डॉक्टर लिंग ने बहुत सोच समझ कर ये जो लोगो, क्योंकि ये लोगो का एक पहचान होता है, हमारा जो नाम का वो पहचान होता है ना, इसका भी एक पहचान है। जैसे कि देखिए ये जो राइजिंग सन है, रेड सन, राइजिंग सन, हर सुबह क्या होते हैं, हम पैदा होते हैं, हर सुबह में हम पैदा, क्योंकि रात में हम मरते हैं ना, अगर हम नहीं उठ पाएंगे तो हमारा लाइफ खत्म हो गया ना वो टाइम, लेकिन हम जिंदा हो गए फिर हम सुबह का दिन को हम वेलकम करते हैं। उसी टाइम ये जो राइजिंग सन हर टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि हम सुबह हर सुबह उठते हैं, हमको सबसे पहले हमको भगवान अल्लाह जो भी है गॉड है हम उसको याद करते हैं, फिर अपना काम करना शुरू करते हैं, सब पॉजिटिव थॉट से हम शुरू करते हैं ना। वही है ये डीएक्सएन में भी, हर टाइम हर मॉर्निंग पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ये प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात है ये जो ग्रोथ है, ये वाइटल ग्रोथ कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है, एक तो ऑर्गेनिक नेचुरल, ये लोगों को क्या देता है, नेचुरल लाइफ देता है। और इसका ग्रोथ अभी बहुत है, 24 years, ये जो इसका 24 years टाइम में 187 कंट्रीज को मार्केटिंग में बूमिंग करने वाला बिजनेस है, टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग में से 24th रैंक में है ये 24 years का टाइम है। और बाकी टॉप 10 में आने वाला जो कंपनीज है वो 100 years 80 years का कंपनीज है, इतना बहुत लंग टाइम हो गया, उन लोग रन हो गया, लेकिन फिर भी ये 24 years में इसने 24th रैंक अचीव करने में सफल है। तो अभी का 5 years टाइम में शायद टॉप 10 में आने वाला बहुत पॉसिबिलिटी है, तो इतना पोटेंशियल और ग्रोथ हो रहा है ये बिजनेस को, तो ऐसा ग्रोथ हो रहा है। और ये जो नीला जो कलर का जो समतल ये जो लाइन है, ये सबके लिए समान है, ये नहीं है कि स्वीपर के लिए इसका मार्केट प्लान अलग है, इसका अलग से सिस्टम है, नो, सबके लिए समान है। ये डीएक्सएन
पानी बेसिस है, जो आपको पानी का जो लेवल होता है ना वो समान होते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे नहीं होते, समान होते हैं। जैसे कि समुद्र का लेवल कभी ऊपर कभी नीचे, देखा पूरा समान है, इसलिए ये भी समान है सबके लिए। तो हम लोग को सबके लिए अपॉर्चुनिटी समान है। जैसे मैं 37% में ऐसे किया, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग नहीं कर सकते, वही ना, कर सकता है ना, कर सकता है, यस कर सकता है, यस। थैंक यू।